बाई के माप बैंक की इकाइयां और कुछ मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं माप क्या है। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसका व्यास या उसकी ऊंचाई को जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे हम माप कहते हैं। माप की इकाइयां क्या है कि माप को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले माप की जो इकाई है वो ब्रिटिश प्रणाली में जो हिंदुस्तान में और बाहर के सभी देशों में प्रचलित थी, इसे FPS भी कहा जाता है। F यानी फुट, P यानी पाउंड और S यानी सेकंड, यानी कि FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को फुट में, भार को पाउंड में और समय को सेकंड में हम माप सकते हैं। अब ब्रिटिश प्रणाली में कुछ इकाइयां जो हम लंबाई के माप हम लेते हैं वो इस तरह से हैं, जैसे एक मील बराबर 1760 गज। एक मील के बराबर 1760 गज होते हैं, एक गज के बराबर 3 फुट, एक फुट के बराबर 12 इंच और एक इंच का आठवां भाग जो कि एक सूत्र कहलाता है। इस तरह से हम FPS सिस्टम में लंबाई को माप सकते हैं और इसमें तापमान की भी इकाइयां हैं जिसे हम C/100 = F-32/180 = R/100 = K-273.15/100। तापमान को हम चार तरह से नाप सकते हैं, C4 सेंटीग्रेड, F से फारेनहाइट, R से रेमर और K से केल्विन। इस तरह से हम तापमान को माप सकते हैं और इसी तरह से इसमें कोणों को भी मापा जाता है FPS सिस्टम में। जैसे एक वृत्त जो होता है, एक सर्कल जिसे हम बोलते हैं, वो 360 डिग्री का होता है और उसमें चार समकोण बनते हैं, एक समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो है ब्रिटमेट्रिक सिस्टम, जिसे हम सीरियल सिस्टम भी बोलते हैं। ISO और BSI यानी कि ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और BIS ब्रिटिश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत इसे स्वीकृति प्रदान की गई कि भारत में इसे यूज किया जा सके। सी यानी कि लंबाई को हम इसमें सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में और समय को सेकंड में हम माप सकते हैं। जिस तरह से ब्रिटिश प्रणाली FPS में लंबाई की कुछ इकाइयां थी, इसी तरह से सीटी सिस्टम में भी लंबाई के कुछ माप हैं, जैसे 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर = जो मान होता है होता है 1000 माइक्रोन। तो इस तरह से आपके सीजीएस सिस्टम में भी हम लंबाई को माप सकते हैं। अब बात आती है FPS सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में आपस में कुछ संबंध है इसके लंबाई के इकाइयों का। जैसे 1 इंच = 25.4 मिलीमीटर या 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर और 1 मील = 1.6093 किलोमीटर। इस तरह की जो इकाइयां हैं ये हमारी FPS सिस्टम में है यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में है और इस तरफ की जो इकाइयां हैं वो CTS सिस्टम यानी मीट्रिक प्रणाली में। उसके बाद बात आती है माप की इकाइयों के बाद जो बात आती है माप की कितनी विधियां हैं। माप की तीन तरह की विधियां हम यूज करते हैं, सबसे पहला प्रत्यक्ष माप, दूसरा अप्रत्यक्ष माप और तीसरा तुलनात्मक माप। प्रत्यक्ष माप सबसे पहले आती है, बात आती है प्रत्यक्ष माप की। प्रत्यक्ष माप क्या होता है, किसी भी वस्तु या किसी भी जॉब का वो माप
जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उसे प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे ये पेन है और मेरे पास एक स्केल रूल है, इस पेन की लंबाई को अगर मैं स्केल रूल से ज्ञात करना चाहूँ तो इसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। दूसरी बात आती है और प्रत्यक्ष माप को मापने के लिए हम स्केल रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर जैसे टूल्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी माप की जो विधि है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप किसी भी वस्तु का वो माप, किसी भी वस्तु या द्रव्य का वो माप जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। जैसे आउटसाइड कैलिपर, अगर हम इसकी मोटाई को ज्ञात करना चाहें, स्पैन की मोटाई को ज्ञात करना चाहें, तो हमने इस आउटसाइड कैलिपर को इतना ओपन किया बट हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना खुला हुआ है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से जिस भी वस्तु का माप हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते उसे अप्रत्यक्ष माप बोलते हैं। इसके लिए हम आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर जैसे टूल्स का प्रयोग करते हैं। तीसरी तरह का जो माप है वो तुलनात्मक माप कहलाता है। तुलनात्मक माप के लिए किसी भी वस्तु या जॉब को बनाने के लिए उसी आकार का एक मास्टर जॉब पहले से तैयार किया जाता है, उसी के अनुसार हम दूसरी वस्तुओं का या जॉब्स का माप लेते हैं जिसे हम तुलनात्मक माप बोलते हैं। इसके लिए कई प्रकार के गेजेस का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद बात आती है जो माप के प्रकार कितने हैं। चार तरह के माप का प्रयोग हम करते हैं। माप के प्रकार, नंबर एक लंबाई के माप, नंबर दो कोण के माप, नंबर तीन रेडियल माप और नंबर चार समतल सतह के माप। अब हम देखते हैं कि ये किस अलग अलग प्रकार के जो माप हैं इन्हें हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और किस किस टूल के द्वारा इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले लंबाई के माप, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या उसके व्यास के माप को लंबाई के माप कहते हैं। इन्हें मापने के लिए हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर जैसे टूलों का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो माप है वो है कोण के माप। किसी भी वस्तु या जो की जब दो रेखाएं, दो या उससे ज्यादा रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक कोण बनाती हैं जिसके माप को हम कोणीय माप कहते हैं। इसे मापने के लिए हमें कॉम्बिनेशन बेवल, प्रोट्रैक्टर जैसे टूलों का हमें यूज करना पड़ता है। तीसरी तरह के माप है रेडियल माप। किसी भी वस्तु या जो के उत्तल या अवतल तरह के अवतल माप को हम रेडियल माप कहते हैं। इसे मापने के लिए रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज जैसे टूलों का यूज किया जाता है। चौथे तरह का माप है समतल सतह के माप। इस तरह के माप के लिए समतल सतह यानी कि किसी भी जॉब या वस्तु के सतह के माप को समतल सतह का माप कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज जैसे टूलों का हम यूज करते हैं। ये हम जो अभी तक हमने पढ़ा वो है माप, उसकी इकाइयां, उसकी विधि और माप के प्रकार। अब हम आते हैं कुछ टूलों के ऊपर। सबसे पहले टूल हम लेते हैं डिवाइडर। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है जो मार्किंग करने के काम आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डिवाइडर है। किसी भी वस्तु या सतह पर वृत्त लगाने के, चाप लगाने के या कोण बनाने के ये काम आता है। यह मल्च की धातु का बना होता है। इसमें दो टांगे होती हैं जिसे आपस में एक रिवेट के द्वारा सेट किया जाता है। इसकी लंबाई इसके रिवेट के केंद्र बिंदु से लेकर इसके वर्किंग पॉइंट तक ली जाती है, जो लगभग 150 mm और 6 inch तक होती है। जो डिवाइडर हमारा है ये मार्केट में दो तरह का मिलता है, नंबर एक फर्म ज्वाइंट और नंबर दो स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर। फर्म ज्वाइंट डिवाइडर में क्या होता है, दोनों लेग्स एक रिवेट के द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे हाथ के दबाव से कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो कि आपके सामने जो मैं डिवाइडर दिखा रहा हूँ ये स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर है। इसमें दोनों टांगें एक कील द्वारा एक स्प्रिंग द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके नीचे एक रोड लगी है और उसके साथ एक सर्किट नट लगा हुआ है जिसे खोल कर या बंद करके हम इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसका प्रयोग
कर सकते हैं। उसके बाद जो कुल आता है हमारा डिवाइडर के बाद वो फिर आता है साइड का एरिया। इनसाइड कैलिपर एक मापने हो गए औजार है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनसाइड कैलिपर है, और यह एक अप्रत्यक्ष माप के औजार है। जैसा मैंने पहले भी बताया माप की विधियों में अप्रत्यक्ष माप के औजार होते हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु के माप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। तो यह इनसाइड कैलिपर है, इसके नाम से ज्ञात होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर का माप लेने के लिए या किसी सुराख के का व्यास जानने के लिए इस औजार की हमें आवश्यकता पड़ती है। यह भी माइट स्टील धातु का बना होता है और इसकी लंबाई भी इसके लिमिट के सेंटर से और इसके वर्किंग पॉइंट तक की लंबाई में इसके इसका साइज दिया जाता है। इसमें दो लेग होती हैं, दोनों लेग के जो वर्किंग पॉइंट्स हैं वो एक एंगल पर मुड़े होते हैं, और यह भी मार्केट में दो तरह का अवेलेबल होता है, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। फर्म ज्वाइंट में जैसे मैंने आपको डिवाइडर में बताया था कि फर्म ज्वाइंट में दोनों लेग्स एक लिमिट के द्वारा बंधी होती और उसे हाथ के दबाव से कम या ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, और स्प्रिंग ज्वाइंट में इसमें दोनों लेग्स एक रिविट और स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी हुई हैं और सर्किट मेट की सहायता से इसे कम या ज़्यादा खोला या बंद किया जा सकता है। मार्केट में जो इसका साइज अवेलेबल है वो लगभग 150 mm, 200 mm और 300 mm तक आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तीसरी तरह के टूल की हम बात करते हैं वो है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर नाम से क्या होता है, आउटसाइड यानी कि किसी भी वस्तु या जो के बाहरी माप को मापने के लिए इस कैलिपर का यूज करते हैं, जैसे ये आपके सामने आउटसाइड कैलिपर है। यह भी एक अप्रत्यक्ष माप के औजार है क्योंकि इसको इसके माप से हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष माप हम नहीं ले सकते। इसमें भी दो लेग होती हैं जो दोनों लेग आपस में गोलाई में जुड़ी होती हैं। इसका साइज भी इसके लिमिट के केंद्र से इसके वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है, और यह भी दो प्रकार से पाया जाता है, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट, जो कि अंतर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फर्म ज्वाइंट में दोनों लेग एक लिमिट की सहायता से जुड़ी होती हैं जिसे हाथ के दबाव से कम ज़्यादा खोला बंद किया जा सकता है, और स्प्रिंग ज्वाइंट में इसके साथ एक स्प्रिंग नट और रोटर भी होती है। स्प्रिंग नट की सहायता से हम इसे कम या ज़्यादा साइज में खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगले टूल की जो हम बात करते हैं वो है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। जैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जैनी कैलिपर है, इसका इसके दो अन्य नाम भी हैं, ओडने कैलिपर और हार्मोफ्लोराइड कैलिपर। यह भी माइट स्टील धातु का बना होता है तथा इसमें भी दो लेग होती हैं, दो टांगों से बना हुआ ये एक लिमिट से जुड़ा होता है, और इसका जो मुख्य काम है वो किसी भी जॉब पर समांतर लाइनें लगाने का या किसी गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। मार्केट में ये दो तरह से अवेलेबल होता है, एक सॉलिड और एक एडजस्टेबल ओडने कैलिपर। सॉलिड जैनी कैलिपर क्या होता है, जिसमें दो टांगें होती हैं, एक और जो इसका वर्किंग पॉइंट होता है उसकी एक टांग की सिधाई में बना होता है और दूसरी टांग इसकी 60 डिग्री एंगल पर मुड़ी होती है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एडजस्टेबल जैनी कैलिपर है क्योंकि इसकी एक टांग तो मुड़ी हुई है लेकिन दूसरी टांग में जो वर्किंग पॉइंट है वो एक स्प्रिंग नट की सहायता से लोहे की रोड बनी हुई है जिसकी सहायता से हम इसमें मार्किंग कर सकते हैं। अब आगे बात आती है एक टूल की जिसका नाम है पंच। पंच एक ऐसा टूल है किसी भी धातु पर किसी भी वस्तु पर या जॉब पर मार्किंग करने के बाद उसकी लाइनों को पक्का करने के लिए काम आता है। मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के जो काम आता है उसे हम पंच कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ज्यादातर 100 mm की लंबाई में पाया जाता है। बहुत लगभग 8-9 पंच हैं जो कि आम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन आईटीआई में मुख्य रूप से जो ज्यादा पंचेज का यूज होता है वो तीन तरह के पंच हैं जिनके नाम हैं डॉट पंच, सेंटर पंच और
पंच। डॉट पंच किसी भी चौक पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के काम आता है। जो इसमें आगे का पॉइंट एंगल जो बना होता है वो 60 डिग्री पर बना होता है। सेंटर पंच जिस भी जॉब पर या किसी भी स्थान पर जहाँ हमें ड्रिल करनी हो उसका सेंटर बनाने के लिए, ताकि ड्रिल अपने सेंटर से हिले नहीं, तो उसके लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। इसका जो आगे का पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री पर बना होता है। और तीसरी तरह का जो पंच है वो ग्रिप पंच है। इसे हम शीट मेटल शॉप में शीट्स के ऊपर की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए इस पंच का प्रयोग करते हैं। इसका जो आगे का पॉइंट एंगल होता है वो 30 डिग्री का बना होता है। इसके बाद अगले जो टूल का हम बात करेंगे उसका नाम है हैमर। हैमर यानी हथौड़ा। यह एक चोट लगाने का औजार है जिसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल यूज किया जाता है शीट मेटल शॉप में, वेल्डिंग शॉप में चिपिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, इस तरह से इसका हैमर का प्रयोग किया जाता है। यह किस किस धातु का बना होता है? ये अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। जैसे फिटिंग और मशीन शॉप के लिए शॉप में कास्ट आयरन का बनाया जाता है। शीट मेटल शॉप में ये सॉफ्ट मटेरियल यानी कि प्लास्टिक, हार्डवुड, लकड़ी आदि के बनाए जाते हैं। अब जैसे हम और यह चार प्रकार का होता है। सबसे पहला हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर और पावर हैमर। ये मैं आपके सामने हैमर दिखा रहा हूं। इसमें भी कई पार्ट से लेकर बना होता है। जो इसका ये वाला पार्ट है इसे हम फेस कहते हैं। दूसरी तरफ के पार्ट को हम पिन बोलते हैं। यह जो सुराख किया होता है इसे आई और बोला जाता है, जिसमें हैंडल सीट होता है। और एक जो ये सामने वाला भाग है इसे पोस्ट कहते हैं। इस पोस्ट के ऊपर इसका कंपनी का नाम और इसका वजन, ये दोनों चीज़ें अंकित रहती हैं। अब जो मैंने आपको बताया सबसे पहला हैंड हैमर। हैंड हैमर साधारण कार्यों के लिए हैंड हैमर का प्रयोग किया जाता है। तीन तरह का ये मार्केट में अवेलेबल होता है। सबसे पहला बाल पिन हैमर, क्योंकि तो इसके पिन के हिसाब से जो मैंने आपको बताया एक तरफ फेस और दूसरी तरफ पिन के हिसाब से तीन तरह का होता है। बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। बाल पिन हैमर में एक तरफ का फेस बिल्कुल फ्लैट होगा और पिन इसकी गोल गेंद की तरह होगी, तो इसे हम बाल पिन हैमर बोलेंगे। इसका मुख्य कार्य रिविटिंग और चिपिंग आदि कार्यों में किया जाता है। दूसरी तरह का आता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में एक फेस बिल्कुल फ्लैट होगा और पिन उसकी हैंडल के क्रॉस में बनी हुई होती है। क्रॉस पिन हैमर का मुख्य कार्य शीट मेटल जॉब में नालियां या जॉब के अंदरूनी कोने बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह का जो हैंड हैमर यूज किया जाता है वो है स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें भी इसका जो फेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और जो पिन होती है वो हैंडल के शीट में बनी हुई होती है। इसका मुख्य कार्य वही है जो क्रॉस पिन हैमर के द्वारा करते हैं। दूसरी प्रकार का जो हैमर है वो है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर के दोनों फेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही भारी कामों के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर बहुत ही भारी कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनका वजन भी ज़्यादा होता है, जो कि लगभग 2 किलो से 10 किलो तक पाया जाता है और इनके वजन के हिसाब से इनके हैंडल की लंबाई भी ज़्यादा होती है। तीसरी तरह का जो हैमर है वो सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर यानी कि शीट मेटल वर्क में या हल्के कार्यों के लिए, इसके नाम से ज्ञात होता है सॉफ्ट, तो हल्के कामों के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। शीट मेटल शॉप में अलग अलग धातुओं के सॉफ्ट हैमर बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, हार्डवुड, प्लास्टिक, लेड, तांबा आदि के अलग अलग धातुओं के सॉफ्ट हैमर बनाए जाते हैं। चौथे प्रकार का जो हैमर है वो पावर हैमर है। पावर यानी किसी नाम से ज्ञात हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से जो हैमर यूज होते हैं उन्हें हम पावर हैमर कहते हैं। बड़ी बड़ी चौकों को, इंडस्ट्रीज में बड़ी चौकों को फोर्ज करने के लिए इस तरह के हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये चार प्रकार के हैमर आमतौर पर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अगला जो टूल है वो है मार्किंग टेबल। मार्किंग
मार्किंग टेबल, इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि एक मार्किंग का टूल है और एक इस तरह की इमेज होती है जो कि मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसका जो सरफेस होता है ऊपरी सतह कास्ट आयरन की बनाई जाती है और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाई जाती है और इसके चारों कोने 90 डिग्री समकोण पर बने होते हैं। इसके ऊपर जो कोरक है उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। तो इस तरह से हम मार्किंग में इसका प्रयोग करते हैं। एक टूल है हमारा स्टील रूल, यह हमारा एक मेजरिंग टूल है स्टील रूल। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है और यह एक प्रत्यक्ष मापी उपकरण है क्योंकि हम किसी भी वस्तु या किसी भी जोड़ का माप हम इसे प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। स्टील रूल अलग अलग साइज में अवेलेबल है। अब जो स्टील रूल आपको दिखा रहा हूँ ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे इसमें ऊपर निशान लगे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक निशान लगे हुए हैं और 1 सेंटीमीटर में मैंने आपको पहले ही बताया वहाँ की इकाइयों में 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बने हुए हैं जो कि 1 भाग 1 मिलीमीटर कहलाता है। इसी तरह से इसके नीचे इंच दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच तक गए हैं यानी कि 15 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच। तो इस तरह से आज हमने माप उसकी इकाइयाँ, माप की विधियाँ, माप के प्रकार और कुछ मार्किंग और मेजरिंग टूल्स मार्क जैसे डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, आउटलेट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, हैमर, पंच, स्टील रूल, मार्किंग टेबल आदि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।